प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण नगरी से एक बड़ा ऐलान किया है। मथुरा से पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग 2 अक्टूबर तक अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक से पशुओं, नदियों, झील और तालाब में रहने वाले प्राणियों को नुकसान होता है। ऐसे में अगर हम संकल्प करें तो प्लास्टिक से छुटकारा पाया जा सकता है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान को इस बार विशेष तौर पर प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। आप ब्रजवासी तो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पशुओं की मौत का कारण बन रही है। इसी तरह नदियां, झीलों, तालाबों में रहने वाले प्राणियों का, वहां की मछलियों का प्लास्टिक को निगलने के बाद जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं, उससे छुटकारा पाना ही होगा। हमें ये कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। कृष्ण नगरी से पीएम मोदी ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इस मौके पर पशुओं के स्वास्थ्य संवर्धन, पोषण और डेयरी उद्योगों से जुड़ी कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा पीएम ने मथुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास के साथ साथ ही मथुरा वासियों को कई सौगातें भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।